मुझे चुनिए और मैं दिखाऊंगा कि मालगुड़ी की उन्नति कैसे की जाए। अब जबकि आप चुनाव जीत गए हैं, हाँ, तो मालगुड़ी के उन्नति के लिए आपके क्या क्या योजनाएं हैं? सर फ्रेडरिक लॉली, हाँ, गांधीनगर में अंग्रेज की प्रतिमा, हमें फौरन इस फ्रेडरिक लॉली की प्रतिमा को यहां से हटाना होगा। आप मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं सोचकर कल बताऊंगा। मेरे पास एक जबरदस्त योजना है। हम अगर केवल 5,000 रुपये खर्च करें तो मैं आसानी से 50,000 रुपये कमा सकता हूं। क्या तुम अपने पिताजी से थोड़े दिन के लिए थोड़े पैसों की उधार मांग सकती हो? मैं लौटा दूंगा प्रॉफिट के साथ। कैसी योजना? बात यह है कि सर फ्रेडरिक लॉली की प्रतिमा उतारनी है और उसमें 6 टन असली पीतल है। उतारने के लिए खर्च केवल 5,000 रुपये, और मेरे हिसाब से अगर हम उसे पिघलाकर बेच दें तो कम से कम 60,000 रुपये मिलने चाहिए। अगर मैं कोशिश करूं तो मैं ब्रिटिश म्यूजियम को भी बेच सकता हूं। कैसे भी हो प्रतिमा मेरी होनी चाहिए। मैं कल ही चेयरमैन से बात करता हूँ। आप जानते हैं क्या बोल रहे हैं? उसको निकालेंगे कैसे? निकालने के बाद उसे रखेंगे कहाँ? और फिर उसे पिघलाएंगे कैसे? ये सब मेरे समझ में नहीं आ रहा है। समझने की कोशिश करो ललिता, एक बार हम उस प्रतिमा को नीचे उतार लें तो वो हमारी संपत्ति है। फिर हम उसके टुकड़े टुकड़े करके पिघला के बेच देंगे। वो सब तुम मुझ पर छोड़ो, सिर्फ अपने पिताजी से कहो हमारी मदद करें। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो ये सब बेकार लग रहा है। देखो जी, जितना भी आप कमा लेते हैं उसमें हम खुश हैं, फिर ये सब क्यों? मैं ये अखबार की रिपोर्टर का काम छोड़ देना चाहता हूँ। पहले खबर ढूंढो, फिर बैठकर टाइप करो, फिर भेजो। सब करने के बाद मिलता क्या है? ये और ये मौका भगवान ने दिया हुआ है, और चेयरमैन ने भी कहा है कि प्रतिमा मुफ्त में देंगे। ये हमारा दोस्त नटराज फ्रेडरिक लॉली की प्रतिमा को मुफ्त में ले जाने के लिए तैयार है। आज से फ्रेडरिक लॉली हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों भाइयों? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये मौका देने के लिए आप सभी का धन्यवाद, पर आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि आप सभी मेंबर्स इस पेपर पर साइन करें। पेपर? क्या है इस पेपर में? कुछ खास नहीं, सिर्फ यही कि मैं ये प्रतिमा आप सबकी अनुमति से निकाल रहा हूं ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। इसे पता चलता है कि हमारा दोस्त कितना जिम्मेदार है, इसलिए इस पेपर पर सबसे पहले मैं साइन करूंगा। लीजिए। मैं अच्छी तरह जानता हूं ये पागलपन है। ललिता की ये कई दिन से मर्जी थी नया घर में जाने की। नया घर 10,000 में आता है। ये आप मेरे से 5,000 रुपया उधार क्यों ले रहे हैं? ससुर जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इससे बहुत कुछ कमाऊंगा, आपके पैसे भी लौटाऊंगा, नया घर भी बनाऊंगा, सब कुछ करके दिखाऊंगा, आप देखते रहिए बस। आपके सपने पूरे हो जाएं, मुझे और क्या चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलूं। हाँ ललिता, अब सब कुछ तैयार है, कल फ्रेडरिक लॉली हमारा हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, पर उसे रखेंगे कहाँ? अरे और कहा, मैं उसे घर ले आ रहा हूँ। घर? हाँ, लेकिन कैसे? वो खुद ही देख लो, मैं किसी भी तरह उसे कल ले आऊंगा। मुझे कुछ नहीं देखना, जो करना है करो, मैं रामू को लेकर मैके चली जाऊंगी। अरे सुनो तो। मुझे कुछ नहीं सुना ललिता। क्या कर रहे हो? ये रस्सी से कुछ, हाँ लगा।
ये ऐसे नहीं आएगा नीचे। नमस्कार अध्यक्ष महोदय। अरे नटराज बैठो बैठो, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो। बात यह है कि इस प्रतिमा को निकालना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। एक ही रास्ता है, डायनामाइट से उड़ा देना। मुझे आपकी परमिशन की जरूरत है। डायनामाइट? जी। अच्छा ठीक है, मगर जरा सावधानी से काम करना। अगर कुछ नुकसान हो गया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मंजूर है, मंजूर है। सुनो, इन्हें परमिशन लेटर दे दो। निकला साला। धीरे धीरे धीरे। शाबाश, अब चलो चलो।
रस्सा छोड़ छोड़ा छुड़ा उसे हाँ ये बीच का भी निकाल दो धीरे धीरे सामने का भी निकाल यहाँ से छुड़ा चलो यहाँ से मैं अंदर जाता हूँ ये प्रतिमा को अंदर ले आ हाँ छुड़ाओ इसे छोड़ दो इधर ऐसे हाँ अभी प्रतिमा का हाथ लो आगे हाँ छुड़ाए क्या उधर हाँ ठीक है उधर रस्सी फेंक दो उधर अभी प्रतिमा को उठाओ हाँ उठाओ प्रतिमा को उठाओ प्रतिमा को उठाओ प्रतिमा को उठाओ धीरे 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 हाँ आने दो हाँ आने दो आने दो आने दो और आने दो अंदर लाओ लाओ धीरे से धीरे से धीरे से धीरे 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 से धीरे से आगे जाओ आगे जाओ आने दो उठाओ ऐसे ये ऐसे अंदर नहीं आने वाला इसे घुमाओ इसे हाँ घुमाओ घुमाओ हाँ अंदर लाओ धीरे लाओ धीरे धीरे लाना आओ बहुत भारी लग रहा है यार धीरे हाँ धीरे लाओ आने दो हाँ धीरे धीरे आने दो आने दो आने दो आने दो अरे क्या हुआ क्या हुआ नीचे रखो धीरे धीरे छोड़ो छोड़ो पकड़ो क्या हुआ अरे क्या हुआ अरे क्या हुआ हे भगवान तोड़ ही डाला अब क्या करे साहब ये अंदर भी नहीं जाता बाहर भी नहीं जाता वही वैसे के वैसे छोड़ दो यही रख दो नीचे छोड़ दो और तुम इन लोगों को भेज दो बस चलो भाई चलो बोलो तुम लोग कितना हुआ ये लो ये तुम्हारा कितना घर में कुछ गया वो कुछ गया आज हमारी म्युनिसिपैलिटी के लिए बड़े गर्व का अवसर है ये हमारा फर्ज बनता है कि हम नटराज को धन्यवाद दें जिसकी वजह से हमारी म्युनिसिपैलिटी को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा हम एक रेजोल्यूशन तैयार करेंगे जिसमें सब मेंबर साइन करके नटराज को भेज देंगे सर फ्रेडरिक लॉली statue has been removed by Mr. Nataraj of Malgudi. He has thus done wonderful service for the people of Malgudi by removing the Britishers' statue. अरे नटराज नटराज आया कहाँ हो कौन है अरे अध्यक्ष महोदय आप आइए आइए ऐसे नीचे से अरे नीचे से नीचे से नहीं ऊपर छोड़िए मैं ही आ जाता हूँ अच्छा अच्छा संभल के छोड़िए यहीं से बात करें बोलिए नटराज नटराज मैं फिर से मुसीबत में फंस गया हूँ अच्छा मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ बहुत बुरा हुआ क्या हुआ अच्छा होता अगर तुमने सर फ्रेडरिक लाली की प्रतिमा को हटाने का न्यूज ना भेजा होता क्यों ये देखो ये आया है हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से और ये नेशनल कांग्रेस वालों ने भेजा है ये देखो आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने सर फ्रेडरिक लाली के बारे में लिखा है और ये न्यूज़पेपर में भी छपा है
देखो। This Frederick Lawley was a military governor who settled down here after the mutiny as he got disgusted in killing of the Indians by the Britishers. He cleared the jungles and almost built the town of Malgudi. See, Bhagwan. He established here the first cooperative society for the whole of India. The first canal system which he established on Sarayu River helps thousands of acres of irrigated land. He seems to have become almost a man of Malgudi. My God. He was the first Englishman to advise the British Parliament to associate more and more Indians in all Indian affairs. In one of his dispatches, he was said to have declared, British must quit India same day for its own good. He died in the great Sarayu floods while attempting to save the villagers living on the banks. Without realizing the contribution of Frederick Lawley, the great mishap and unfortunate incident has been brought about within 6 months of Indian independence. Sir Frederick Lawley must be installed immediately in Malgudi. Impossible! ये कैसे हो सकता है? ये प्रतिमा मेरी है। उसके बारे में आपका पत्र भी है मेरे पास। अब तक कई हजार खर्च कर चुका हूं मैं इस पर। अब मैं इसका मालिक हूं और इसका मैं जो चाहे करूं। लेकिन नटराज, ये सरकार का हुक्म है। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, आप नहीं जानते अध्यक्ष महोदय, इसके लिए क्या क्या परेशानी मैंने उठाई है। आप जानते हैं, लॉली को मैं घर लेके आया और गुस्से में मेरी बीवी मैके चली गई। नटराज, सॉरी, वेरी सॉरी। लीजिए। छे, देखो ये क्या हो रहा है। उस फ्रेडरिक लाली ने मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया है। सरकार ने ये पत्र भेजा है। सरकार मालगुड़ी की म्युनिसिपालिटी से प्रतिमा पुनर्स्थापन के विषय में रिपोर्ट मांगती है। सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि म्युनिसिपालिटी ने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए इसे भंग कर दिया जाए और फिर से चुनाव कराए जाए। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात है? इसमें अच्छा क्या है? फिर चुनाव, फिर भाषण, फिर वही परेशानी, इसमें अच्छा क्या है? मैं एक आइडिया दूं? नहीं नहीं, तुम्हारे आइडियाज बहुत हो गए। सुनो तो सही, आप क्यों ना मेरा घर नेशनल ट्रस्ट बनाकर इसे खरीद लें। क्या, मैं क्यों खरीदूं? क्योंकि सर फ्रेडरिक लाली यहां है। क्या आप इसे पुरानी जगह पर ले जाएंगे? जनता का पैसों का नुकसान नहीं होगा। यहीं रखें जहां ये हैं। मैं तो अपने घर भी बेचने के लिए तैयार हूं, सर लॉली के लिए अच्छा दाम मिल जाए बस। पर म्युनिसिपैलिटी के पास इतने पैसे नहीं है। ना सही, आपके पास तो हैं। है? भेड़ों के उनके पैसे। नटराज, नटराज, अगर आप ऐसा करेंगे तो हिंदुस्तान में आपका नाम मशहूर हो जाएगा। जरा सोचिए, चुनाव के पहले आप अगर इस प्रतिमा की पुनर्स्थापना नहीं कर पाते तो लोग आपको माफ करेंगे, आप चुनाव जीत पाएंगे। इसलिए मेरा कहा मानिए और मालगुड़ी के हीरो बन जाइए। नटराज, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। अगर जनता को सरलाली की प्रतिमा वापस कर दूं
तो वो लोग खुश होकर मुझे जरूर इलेक्ट करेंगे। हाँ, अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर की कीमत क्या है? यही कुछ 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख? ये तो बहुत है, मैं इसके 1 लाख दूंगा। 1,50,000 रुपयों से एक पैसा भी कम नहीं। अगर मैं इसे ब्रिटिश म्यूजियम को बेचू ना तो 2 लाख से ज्यादा आसानी से मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, 1.5 लाख और मैं ही खरीदूंगा। हाथ में लाइए। 1.5 लाख। 1.5 लाख। अब समझ में आया घर बनाना कितना मुश्किल है? ये क्या जाने, इसके पिताजी इसके लिए इतना बड़ा घर छोड़कर गए और इसकी शादी भी नहीं हुई। देश को आजादी मिली पर मेरे घर में अंग्रेज। अब मैं और मेरा परिवार अंग्रेज के साथ कैसे रहते हैं? असंभव। Na 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 na.